Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel. Life is awesome and awesome has plans. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके जो है आप बेल आइकॉन को टैप कर दीजिएगा। टैप कर दे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते आएगा। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट रहा तो आप बेल आइकॉन टैप कर दीजिए, नहीं तो आपको चुप डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियोज, उसकी वजह से आपको बहुत ही डिस्टर्ब होता है। एंड इस तरह का एक सिंपल सा प्लान बनाया गया। तो मेन एंट्रेंस जो है यहाँ से आता है, इधर स्टेयरकेस दिया गया। तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे जो ओपनिंग दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर पैसेज दिया गया, पैसेज 9 फीट 6 इंच का पैसेज। ओके, यहाँ से एंटर होते ये वाले पोर्शन, इसका पोर्शन, इस पोर्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आज भाई। फिर जो है शाम को और एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, उसमें जो है आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या आ रहा है सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। ये आपका मेन डोर है 4 फीट का, ये आपका हॉल 11x3x14 फीट में एक हॉल बना हुआ है। किचन है 11x8 फीट 3 इंच में किचन। एंट्रेंस में जो है दरवाजे को साइज़ दिया गया है 2 फीट 9 इंच का दरवाज़ा। तो अभी देखिएगा, ये सिर्फ एक पोर्शन कंसिडर किए तो आपका टोटल लगभग बन जाएगा आपका 14 प्लस 11, तो 25 प्लस 10 मान लीजिए तो 25 फीट बन जाएगा। 25, तो 20x25 में ही एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, समझ सकते हैं आप। 2 BHK अपार्टमेंट 20x25, 2 BHK अपार्टमेंट। हॉल 11 फीट 3 इंच x14 फीट ओपन रखा गया यहाँ पर। इधर है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 3 फीट 6 इंच x11 फीट 6 इंच। बेडरूम नंबर 2 10 फीट 9 इंच x11 फीट 6 इंच बेडरूम नंबर 2। एंड यहाँ पर है बेडरूम नंबर 1। इधर पूरा डिटेल दिया गया है, जैसे कि किचन, यहाँ पे विंडो का साइज 4x3 फीट। और मेरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान्स है तो आप प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो भी है आपके पास आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। बेडरूम इसमें भी एक बालकनी के लिए दरवाज़ा का साइज़ है 2 फीट 9 इंच। एंड इधर एक बालकनी दिया गया, 4x4 फीट का एक विंडो है यहाँ पे। और देखिएगा इधर भी एक विंडो दिया गया है। और बालकनी जो है यहाँ पर कटिंग हो चुका है, तो थोड़ा सा दिखने में भी और दिखता है, बट फिर भी कोई बात नहीं है, अच्छा ही दिखेगा। और इधर वेंटिलेटर एंड ये कुछ सिंपल सा ऑप्शन हम बनाए गए। तो यही कुछ था डिटेल इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप मान लीजिए सिर्फ एक ही अपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेना चाहते तो करीब आपको 15 से 20 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।